हे दोस्तों, हाजिर हूं मैं आप लोगों के लिए एक और जबरदस्त मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आइडिया लेकर, जिसके बारे में मैं आपको ए टू जेड सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस बिजनेस के अंदर जो प्रोडक्ट बनता है उसकी मार्केट में जबरदस्त डिमांड होती है, क्योंकि उसका इस्तेमाल कॉस्मेटिक में किया जाता है, हाउस होल्ड में किया जाता है, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है वहां पे भी किया जाता है। तो दोस्तों वो प्रोडक्ट है वेट वाइप, जिसको वेट टिश्यू पेपर भी कहते हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आप टिश्यू पेपर बिजनेस को कैसे शुरू कर सकते हैं। वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं, कोविड-19 के बाद इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होने लगा है। आप खुद जानते होंगे, इसका इस्तेमाल बच्चों के लिए किया जाता है, मेकअप को रिमूव करने के लिए किया जाता है, और साथ ही साथ में जो जिद्दी दाग होते हैं उनको भी हटाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब इसका इस्तेमाल इतना ज्यादा क्यों होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, इसके अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं जो एक तो बैक्टीरिया को मारते हैं और साथ ही साथ स्किन को भी हाइड्रेट करते हैं, इसीलिए लोग इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं। वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका जो पूरा पैकेट आता है, इसके अंदर 25 पीस आते हैं और इसका प्राइसिंग है 75 रुपीज। मतलब दोस्तों एक जो पीस है वो 3 रुपए का पड़ता है। अब आप खुद सोचिए, ये जो इतनी सी चीज है, क्या ये 3 रुपए की पड़ती होगी? तो दोस्तों इसका मेकिंग कॉस्ट कितना पड़ता होगा, सारी चीजों के बारे में आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं। पर मैं आपको ये बता दूं, इस बिजनेस के अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाजू में जो बेल आइकन उसे भी दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। हे दोस्तों, मेरा नाम है रजनीकांत शर्मा और आप देख रहे हैं कमाओ और कमाने दो यूट्यूब चैनल। चलिए दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मार्केट में कितने तरीके के वेट वाइप्स बिकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, मार्केट में 3 तरीके के वेट वाइप्स बिकते हैं और ये अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। सबसे पहला होता है पर्सनल केयर वाले। तो दोस्तों इनका इस्तेमाल बच्चों की स्किन के ऊपर किया जाता है, मेकअप रिमूव करने के लिए किया जाता है, फेस को साफ करने के लिए किया जाता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, इनके अंदर अल्कोहल बेस्ड क्लीनर होता है जिसकी मदद से इनको बनाया जाता है। दूसरा होता है हाउस होल्ड और होम क्लीनिंग वाइप्स। दोस्तों इनका इस्तेमाल घर के अंदर जो बर्तन होते हैं उनको साफ करने के लिए किया जाता है, हमारे घर के अंदर जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट होते हैं उनको साफ करने के लिए किया जाता है, और साथ ही साथ में जो जिद्दी दाग धब्बे होते हैं उनको भी हटाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों तीसरा होता है इंडस्ट्रियल यूज के अंदर। मैं आपको बताना चाहूंगा, जो भी बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होते हैं वहां पे जो मशीन्स होती है उनको साफ करने के लिए ऐसे वेट वाइप्स का इस्तेमाल किया जाता है, और साथ ही साथ में मशीन के अंदर जो भी केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो ग्रीस का इस्तेमाल किया जाता है, उनके दाग धब्बे भी हटाने के लिए ऐसे वाइप्स का इस्तेमाल करते हैं। सो दोस्तों अगर आप इस तरीके का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यह डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कौन सी कैटेगरी को टारगेट करना चाहते हैं और किस तरीके के कस्टमर को वेट वाइप्स बनाकर बेचने वाले हैं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं रिक्वायरमेंट के बारे में। अगर कोई ये बिजनेस शुरू चाहता है तो उसको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी वो देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको मशीन खरीदनी पड़ेगी। मैं आपको बताना चाहूंगा, मार्केट के अंदर आपको सेमी ऑटोमेटिक मशीन भी मिल जाएगी और साथ ही साथ में ऑटोमेटिक मशीन भी मिल जाएगी, तो आप अपने बजट के हिसाब से खरीद सकते हैं। जो सेमी ऑटोमेटिक मशीन है वो शुरुआत होती है 5 लाख रुपए से, और दोस्तों जो फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन होती है उसकी शुरुआत होती है 20 लाख रुपए से, और वो करोड़ों रुपए तक भी मिलती है। तो आप अपने बजट के हिसाब से खरीद सकते हैं। अगर आपके पास बजट थोड़ा कम है तो आप 5 लाख वाली मशीन खरीद सकते हैं। अगर बजट का प्रॉब्लम नहीं है तो आपको मिनिमम 20 लाख वाली मशीन तो खरीदनी चाहिए। और मैं आपको बताना चाहूंगा, मशीन जितनी महंगी होगी उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी उतनी ही ज्यादा होगी, तो आप अपने बजट और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से खरीद सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों आपको जरूरत पड़ने वाली है रॉ मटेरियल्स की। अब रॉ मटेरियल्स में आपको क्या क्या खरीदना होगा वो बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको जरूरत पड़ने वाली है नॉन वूवन फैब्रिक रोल्स की। मैं आपको बताना चाहूंगा, मार्केट में आपको ये बने बनाए रोल्स मिल जाएंगे। ये आपको मिलते हैं 150 रुपए से लेकर 200 रुपए किलो के बीच में। इसके अलावा दोस्तों ये जो फैब्रिक है इसको गीला करने के लिए, मॉइश करने के लिए आपको कुछ और भी चीजों की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि आपको जरूरत पड़ेगी वाटर की, अल्कोहल की, मॉइस्चराइजर की, एम्फोटेरिक सर्फेक्टेंट्स की, और दोस्तों फ्रेग्रेंस की। तो दोस्तों अगर आप वेट वाइप्स बनाना चाहते हैं तो आपको इन सारे रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ने वाली है। ये सारे आपको खरीद के स्टॉक में रखने होंगे। इसके अलावा दोस्तों आपको जरूरत पड़ने वाली एक बड़ी सी स्पेस की। मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके पास कम से कम 500 स्क्वायर फुट से लेकर 800 स्क्वायर फुट की जगह होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये जो मशीन है वो थोड़ी सी बड़ी होगी। इसके अलावा आप जो रॉ मटेरियल के तौर पर जो रोल्स खरीदेंगे वो भी बड़े बड़े होंगे। इसके अलावा दोस्तों जो तैयार माल होगा वो भी रखना होगा, तो आपके पास कम से कम 500 स्क्वायर फुट से लेकर 800 स्क्वायर फुट की जगह होनी चाहिए। और अगर मैं एम्प्लॉयज की बात करूं तो इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको कम से कम 3 से 4 एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ने वाली है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं वेट वाइप बनाने के प्रोसेस के बारे में। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको जरूरत पड़ने वाली है नॉन वूवन फैब्रिक के रोल्स की। ये रोल्स आपको मार्केट में बने बनाए मिल जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप चाहें तो आप खुद भी नॉन वूवन फैब्रिक बना सकते हैं, जिसके लिए आपको अलग से मशीन्स खरीदनी पड़ेगी, पूरा सेटअप बनाना पड़ेगा। इसका बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है, तो दोस्तों अगर आप इसका भी सेटअप डालना चाहते हैं तो आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। लेकिन मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, जितने भी लोग वेट वाइप बनाते हैं उनमें से ज्यादातर लोग बने बनाए रोल्स मार्केट से खरीदते हैं और उसके बाद में वेट वाइप बनाकर उनको पैक करके मार्केट में बेचते हैं। अगर आपके पास ज्यादा पैसे नहीं है तो आप इनिशियली क्या कर सकते हैं, आप बने बनाए रोल्स खरीद सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों आपको जरूरत पड़ने वाली एक सॉल्यूशन की, जो आपको मशीन के अंदर बने टैंक के अंदर डालना होगा, और ये सॉल्यूशन भी आपको खुद ही तैयार करना होगा। ये सॉल्यूशन कैसे तैयार किया जाता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको पानी को बॉईल करना है, और बॉईल करने के बाद में उसके अंदर आपको कुछ चीजें डालनी होगी, जैसे कि अल्कोहल, मॉइस्चराइजर, एम्फोटेरिक सर्फेक्टेंट
और फ्रेग्रेंस। इसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, ये सारी चीजें डालने के बाद में सॉल्यूशन को अच्छे से मिक्स कर लेना है, और ये जो सॉल्यूशन तैयार हो गया है इसको आपको मशीन के अंदर बने टैंक के अंदर डालना होगा। तो दोस्तों अभी आपके पास रोल्स भी अवेलेबल है और साथ ही साथ में सॉल्यूशन भी अवेलेबल है। चलिए अब देख लेते हैं कि वेट वाइप्स को बनाया कैसे जाता है, मतलब वेट टिश्यू पेपर कैसे बनते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो नॉन वोवन फैब्रिक के रोल्स होंगे वो आपको मशीन के ऊपर लगाना होगा, उसके बाद में मशीन उस फैब्रिक को कट करके अलग अलग कर देगी। दोस्तों मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, मार्केट के अंदर आपको अलग अलग साइज के रोल मिल जाएंगे, तो आपकी मशीन जैसी होगी उसके हिसाब से आपको रोल खरीदना होगा। अगर आपकी मशीन के अंदर फैसिलिटी है कि वो फैब्रिक को कट कर सके तो आप बड़े रोल खरीद सकते हैं, लेकिन अगर आपकी मशीन के अंदर फैसिलिटी नहीं है कि वो फैब्रिक को कट कर सके तो आपको छोटे वाले रोल्स खरीदने होंगे। दोस्तों मशीन की मदद से जब एक बार फैब्रिक कट जाएगा और उसके बाद में अलग हो जाएगा तो मशीन उसको फोल्ड कर देगी, और फोल्ड करने के बाद में आगे की तरफ ढकेल देगी। उसके बाद में दोस्तों जिस टैंक के अंदर आपने सॉल्यूशन डाला है उस सॉल्यूशन को फैब्रिक के अंदर इंजेक्ट किया जाएगा और उसके बाद में आगे की तरफ भेज दिया जाएगा। उसके बाद में दोस्तों आप देख सकते हैं मशीन के ऊपर कंट्रोलिंग डिवाइस भी लगा हुआ है, इसकी मदद से आप सारी चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मशीन की स्पीड आपको फास्ट करनी है तो वो भी कर सकते हैं, कम करनी है वो कर सकते हैं। और दोस्तों एक बार फैब्रिक के अंदर जब सॉल्यूशन इंजेक्ट कर दिया जाएगा तो उसके बाद में उसको पैक किया जाएगा, और पैकिंग करने के बाद में दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं आगे कटिंग होगी, और कटिंग करने के बाद में जो फाइनल स्टेज होगा उसके ऊपर ढक्कन लगाया जाएगा। आपने देखा होगा जो भी वेट टिश्यू पेपर होते हैं, वेट वाइप्स होते हैं, उनके ऊपर एक ढक्कन जैसा लगा होता है जिसको खोलने के बाद में हम टिश्यू पेपर को निकाल सकते हैं, तो वो ढक्कन यहाँ पे लग जाता है और यहाँ पर आपका वेट वाइप बनकर तैयार हो चुका है, जिसको आप कार्टन में डालकर पैक करके मार्केट में बेचने के लिए भेज सकते हैं। अब दोस्तों हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो लोग जानना चाह रहे होंगे कि इस बिजनेस को शुरू करने के लिए हमको कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी या फिर कौन से लाइसेंस लेने होंगे। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले तो आपको अपनी कंपनी को रजिस्टर करना होगा। कंपनी का रजिस्ट्रेशन आप किसी भी फॉर्मेट में कर सकते हैं, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इसके बाद में दोस्तों आपको अपने आसपास के लोकल म्युनिसिपल ऑफिस के अंदर से ट्रेड लाइसेंस लेना होगा, और दोस्तों आपको अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन भी करवाना होगा। उद्यम रजिस्ट्रेशन करवाने का फायदा यह होगा कि आपको गवर्नमेंट की तरफ से जो भी सब्सिडीज मिलती है, जो भी फैसिलिटीज मिलती है, उसका फायदा आपको हो सकता है। और दोस्तों जब आपका साल का टर्नओवर 20 लाख के ऊपर जाने लगे तो आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। और दोस्तों ऐसे यूनिट के लिए आपको पॉल्यूशन कंट्रोल विभाग से भी एनओसी लेनी होगी। तो दोस्तों इन सारी चीजों की आपको जरूरत पड़ने वाली है अगर आप वेट वाइप बनाकर बेचने का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कि अगर कोई वेट वाइप बनाकर बेचने का बिजनेस शुरू करना चाहता है तो उसके पास कम से कम कितने पैसे होने चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर आप ये बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपके पास दो तरीके के फंड होने चाहिए, सबसे पहला वन टाइम इन्वेस्टमेंट और दूसरा वर्किंग कैपिटल। अब वन टाइम इन्वेस्टमेंट में आपको कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी और साथ ही साथ में वर्किंग कैपिटल में कितने की जरूरत पड़ेगी, चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए वन टाइम इन्वेस्टमेंट में वो खर्चे आने वाले हैं जो आपको सिर्फ एक ही बार करने हैं और बार बार नहीं करने हैं। तो उसमें जो सबसे बड़ा खर्चा होगा वो होगा आपका मशीन का, और जैसे कि मैंने आपको बताया मशीन आपको मिल जाएगी 5 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए के बीच में। मैं मान के चलता हूं कि आपने 15 लाख रुपए वाली ऑटोमेटिक मशीन खरीदी। उसके बाद में दोस्तों आपको खरीदना होगा रॉ मटेरियल और साथ ही साथ में पैकिंग मटेरियल। अब दोस्तों मैं मान के चलता हूं कि रॉ मटेरियल और पैकिंग मटेरियल आपने खरीदा 5 लाख रुपए का, तो टोटल हो गया 20 लाख रुपया। इसके बाद में दोस्तों जहां पे आप फैक्ट्री डालने वाले हैं वहां पे आपको बेसिक सेटअप करना होगा, थोड़ा इंटीरियर कराना होगा, थोड़ा बहुत फर्नीचर कराना होगा, तो उसका कॉस्टिंग मैं पकड़ लेता हूं 1.5 से 2 लाख रुपया, तो टोटल हो जाता है 22 लाख रुपया। तो दोस्तों एज अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट आपके पास कम से कम 25 लाख रुपए तो होने ही चाहिए, तभी आप इस बिजनेस को शुरू कर पाएंगे। और चलिए अब बात कर लेते हैं वर्किंग कैपिटल की। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, जब भी आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू करते हैं तो आपके पास जितना भी पैसा आपने इन्वेस्ट किया है उसका आधा या फिर उसका डबल आपके पास एज अ वर्किंग कैपिटल होना चाहिए। तो दोस्तों इस केस में आपके पास कम से कम 10 लाख रुपए का वर्किंग कैपिटल होना चाहिए और मैक्सिमम आपके पास 40 लाख रुपए का वर्किंग कैपिटल होना चाहिए अगर आप इस बिजनेस को अच्छे से रन करना चाहते हैं। तो दोस्तों अगर आपके पास इतने पैसे नहीं होंगे तो आप अपने बिजनेस को स्मूथली चला नहीं पाएंगे। और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में क्या होता है, आपको बहुत बार क्रेडिट भी देना पड़ता है, तो जब आप माल बनाएंगे तो वो माल मार्केट में अटकेगा। इसीलिए दोस्तों मैं बोल रहा हूं कि आपके पास वर्किंग कैपिटल होना चाहिए ताकि आप रेगुलर रॉ मटेरियल खरीद सको। देखिए बहुत सारे बिजनेस में ऐसा भी होता है कि आपने जब माल दिया तो उसके 1 महीने बाद 2 महीने बाद 3 महीने बाद आपको पेमेंट मिलता है, तो इसीलिए दोस्तों आपके पास वर्किंग कैपिटल होना ही चाहिए, उसके बिना आप इस बिजनेस को अच्छे से कर नहीं पाएंगे। तो दोस्तों आप यूं मान के चल सकते हैं कि इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपके पास कम से कम 30 लाख रुपए और मैक्सिमम आपके पास 60 लाख रुपए होने चाहिए। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट मार्जिन के बारे में। अगर कोई ये बिजनेस शुरू करता है तो उसको पर पीस के ऊपर कितना प्रॉफिट हो सकता है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि एक पाउच 75 रुपीज का आता है जिसके अंदर 25 वेट वाइप्स आते हैं, तो एक वाइप का कॉस्ट पड़ेगा 3 रुपया।
अब दोस्तों ये 3 रुपए में तो बनता नहीं है, इसका मेकिंग कॉस्ट होता है 50 पैसे से लेकर 1 रुपए के बीच में। और मैं आपको बताना चाहूंगा, रॉ मटेरियल आप जितना बल्क में खरीदेंगे, जितना सस्ता खरीदेंगे, उतना ही आपका मेकिंग कॉस्ट कम होने वाला है। लेकिन अगर आप कम क्वांटिटी में खरीदेंगे तो आपको महंगा मिलेगा, जिससे आपका मेकिंग कॉस्ट भी बढ़ने वाला है। फिर भी दोस्तों एक पीस का आपका कॉस्टिंग पड़ेगा 50 पैसे से लेकर 1 रुपए के बीच में। हम मान के चलते हैं कि आपका एक पीस बनकर तैयार हो जाता है 80 पैसे में और आप उसको मार्केट में बेचते हैं 1 रुपया 30 पैसे में, 1 रुपया 40 पैसे में, या मैं लमसम पकड़ लेता हूँ 50 पैसे के प्रॉफिट मार्जिन में आप उसको बेचते हैं। सो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो मशीन मैंने आपको बताई है उसके अंदर आप 1 मिनट के अंदर 600 पीस बना सकते हैं और 2 घंटे के अंदर 72,000 पीसेस बना सकते हैं। सो दोस्तों आप खुद सोचिए कि अगर आपको एक पीस के ऊपर 50 पैसे का प्रॉफिट मार्जिन होता है तो 2 घंटे के अंदर आप 36,000 रुपए तक कमा सकते हैं। दोस्तों ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन होगा, इसके अंदर से आपको अपने खर्चे निकालने होंगे। लेकिन फिर भी दोस्तों आप सोचिए, 2 घंटे के अंदर अगर आप 36,000 रुपए कमा सकते हैं तो आपकी मशीन दिन में 10 घंटे चलती है तो आप 1,80,000 रुपए भी कमा सकते हैं। सो दोस्तों ये जो मैंने आपको फिगर बताया, ये हो सकता है बिजनेस शुरू करने के बाद में पहले दिन से अचीव ना हो, लेकिन जैसे जैसे आप बिजनेस करेंगे वैसे वैसे आपको एक्सपीरियंस आएगा और वैसे वैसे आपका सेल बढ़ने लगेगा। और दोस्तों जितना ज्यादा आपका सेल होगा उतना ही ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। लेकिन दोस्तों इस बिजनेस के अंदर बहुत पोटेंशियल है, अगर कोई करना चाहे तो इसको शुरू कर सकता है। अब दोस्तों हो सकता है आप लोग जानना चाह रहे होंगे कि हम मशीन कहां से खरीदें, रॉ मटेरियल कहां से खरीदें। तो दोस्तों मैं आपको किसी भी कंपनी का नाम नंबर नहीं देने वाला इस वीडियो में। आप सिंपली क्या कर सकते हैं, इंडिया मार्ट की वेबसाइट पर जाकर सर्च कर सकते हैं, तो आपके आसपास में जो भी मशीन मैन्युफैक्चरर होंगे, सप्लायर होंगे, डीलर होंगे, उनके डिटेल्स आपको मिल जाएंगे, उनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और जाके बात कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको लगे कि जो बंदा मशीन बेच रहा है वो जेन्युइन है तो आप उसे मशीन खरीद सकते हैं। तो आपको सिंपली यही करना है कि इंडिया मार्ट की वेबसाइट पर जाना है, वहां से आपको बहुत सारे डिटेल्स मिल जाएंगे अगर आप ये बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो। पर दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप ये बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या फिर कोई और बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन बिजनेस शुरू करने से पहले आपको अपने लेवल पर रिसर्च कर लेनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों कुछ कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो किसी पर्टिकुलर लोकेशन में बहुत अच्छा कमाल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपके लोकेशन में उसको इतना अच्छा रिस्पॉन्स ना मिले। तो आपको अपने लेवल पर रिसर्च जरूर कर लेनी चाहिए किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपके मन में कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछे, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाजू में जो बेल आइकन उसे भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ नए कमाने के तरीकों के साथ।